नमस्कार दोस्तों यदि आप सी एस वी एल ई है तो आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि सी एस वी एल के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है लाइव कर दी गई है आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि सी एस को किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड बनाना है साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने में कितना फ़ी आपको देनी होगी और कैसे आपको बनानी है इसकी पूरी प्रक्रिया आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वीडियो को अंत तक देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी इस तरह का वीडियो हो आपको मिल सके सबसे पहले सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में जो भी ब्राउजर होगा उसे ओपन करेंगे गूगल ओपन करना है गूगल में सर्च करना है ऑनलाइन अपडेट एस टी एम डॉट कॉम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है इसमें आपको लिखना है स्मार्ट कार्ड उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सर्च का सर्च वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट कार्ड कैसे बनाए 2022 हज़ार लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल बताई गई है आयुष्मान कार्ड को लेकर के आयुष्मान कार्ड क्या है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है ये कार्ड बनाने से फ़ायदा क्या होने वाला है इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा और इसका लाभ किसको मिल सकता है ये सारी प्रोसेस बताई गई ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये सारी प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे आयुष्मान कार्ड इंपॉर्टेंट लिंक मिलता है जहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा सी एस ई वी एल ई आयुष्मान कार्ड आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा जहां पर आपसे बोला जाएगा कि अगर आप सी एस सी है तो यहाँ पे साइन इन करें आप इस वाले पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो भी आपका सी एस आपसे सी एस सी पासवर्ड मांगेगा और सी एस सी पासवर्ड डालने के बाद साइन इन करेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा जहां पे सी एस सी फैमिली रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे वी एल का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर का यहाँ पे डिटेल में आपका ही डिटेल आएगा जो सी एस है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड फैमिली मेंबर आप इस वाले पे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद इसमें कुछ गाइडलाइन है सारा गाइडलाइन आपको समझाते हैं तो ये सारे इंट्रोडक्शन को जो है हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे सारा डिटेल में बताते हैं कि योजना में शामिल होने के लिए जो भी लोग हैं यानी आपके फैमिली मेंबर में उनका आधार नंबर अनिवार्य है वीएली परिवार के सदस्य द्वारा जो भी डिटेल दर्ज किया जाएगा उससे सही ढंग से आपको पुष्टि करना क्योंकि जब आप ये सबमिट कर देंगे तो उसके बाद किसी भी प्रकार के सुधार का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा उसके बाद कहा जा रहा है कि भुगतान किया हुआ आवेदन शुल्क केवल एक वर्षों के लिए ही लागू है यानी यहाँ पर पे आपको पेमेंट करना होगा पाँच फैमिली मेम्बर का अगर आप बनाएंगे तो लगभग बाईस कुछ रुपये आपको पेमेंट करना होगा जो कि वन ईयर के लिए ही लागू होगा वन ईयर बाद फिर से उसको भुगतान करना होगा इस योजना का लाभ लेने के लिए अन्यथा वो जो है आपको हटा दिया जाएगा इसके बाद जो लोग इस पे आवेदन कर देंगे तो उसको वहाँ पे जैसे आयुष्मान कार्ड का जो पोर्टल है उस पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ऑलरेडी आपको आयुष्मान कार्ड के पोर्टल पे जो है पंजीकृत कर दिए जाएंगे और आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तो यही कुछ इंट्रोडक्शन था ये सारा हमने आपको हिंदी में बता दिया उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करके और सबमिट का ऑप्शन है इस वाले पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको फैमिली का ऐड करना होगा जिसमें आपको सबसे पहले आपका नाम रहेगा उसके बाद जिनका भी बना रहे हैं उनका पिताजी का जो भी नाम होगा जेंडर ईयर और यहाँ पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो डिटेल है सेल्फ का है यानी जो सी एस बी है उनका है उसके बाद उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर शो अप करेगा और यहाँ पे पिन कोड डालना है उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ऐड अनदर मेंबर एक डिटेल ऐड कर देंगे उसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा एड अनदर मेंबर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेंबर ऊपर में देखेंगे ऐड हो चुका है दूसरा मेंबर आप ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लीजिए किनको आप ऐड कर सकते हैं जैसे आप अपने माता जी का ऐड कर सकते हैं पिताजी का ऐड कर सकते हैं और अपने वाइफ और अपने बच्चे क्या कर सकते हैं ये नहीं कि आप अपने भाई बहन का कर सकते हैं यही आपके पास ऑप्शन मिलता है ये जो आपके लेकर पांच आदमी का आप जो है ऐड कर सकते हैं तो चलिए हम अपने फादर का ऐड करते हैं तो यहाँ पे फादर से ले करेंगे फ़ादर का नाम डालेंगे फ़ादर के फादर जो भी है यानी आपके दादाजी होंगे उनका नाम डालेंगे उसके बाद यहाँ पर उनका जेंडर से ले करेंगे उनका जो भी ईयर होगा आधार कार्ड पर वो ईयर डालेंगे उनका मोबाइल नंबर डालेंगे आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर ऑप्शन मिलता है एड अनदर मेंबर इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो उनका भी डिटेल एड हो जाएगा उनके बाद भी आप जिनका डिटेल एड करना चाहते हैं फिर एड कर सकते हैं जैसा आप मदर का डिटेल ऐड करते हैं उसके बाद आगे की प्रोसेस समझाते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री करना है उसके बाद नीचे जब आप आएंगे एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो भी फैमिली मेंबर का आपने ऐड किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा बाईस सौ पचास का आपको इस वाले पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि ये जो भी आपने डिटेल दिया है उस डिटेल को अच्छे से मिलान करें उसके बाद ही आपको जो है सबमिट करना अगर किसी भी प्रकार की अभी भी मिस्टेक है तो एडिट का ऑप्शन मिलता है एडिट पर क्लिक करेंगे जो भी बी है उनके फैमिली मेम्बर में जितने सारे लोग हैं उनका जो भी पेमेंट करना है उन पेमेंट का जो ये 2250 है इसका जो वैलिडिटी है वन ईयर के लिए ही है पाँच मेंबर का वन ईयर बाद आपको फिर से इसे रिन्यूअल कराना होगा यानी फिर से पेमेंट करना होगा तो एक बार सारा डिटेल देख लीजिए सही है तो आप कंटिन्यू टू पे वाले पे क्लिक करें अन्यथा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का आप एडिट वाले पे क्लिक करें जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें बताया जा रहा है कि आपका जो भी वैलेट है उनमें बैलेंस जो है नहीं है इस कारण से ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ पे इरर दिखाया जा रहा है और इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा सी एस सी फैमिली रजिस्ट्रेशन गेट सक्सेसफुली कम्प्लीट और आपका पेमेंट बाईस सौ पचास सक्सेस होगा इस प्रकार थैंक यू का ऑप्शन आएगा और एक ऑप्शन मिलेगा गो बैक टू होम आप इस पर क्लिक करेंगे आप बैक आ जाएंगे अपने होम पेज पे तो इस प्रकार सी एस सी वी का आयुष्मान कार्ड बनाने की जो प्रोसेस है हमने आपको बारीकी से समझाया है इसमें किसी भी प्रकार की आपको डाउट है कंफ्यूजन है या नहीं तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे हमने सारा लिस्ट यहाँ पे बताया है अपने आयुष्मान कार्ड को लेकर ये सारा डिटेल आप हमारे वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं आयुष्मान कार्ड जब बन जाएगा तो आपको वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा इस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे हमने डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बताया इस पर क्लिक करके आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करेंगे मोटा मोटी मान के चलिए आपको दो से तीन वीक का समय लगेगा आपका कार्ड बनाने में जब बन जाएगा तो आप यहीं से डाउनलोड कर लेंगे इसके अलावा भी कोई समस्या है तो कमेंट करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद